राज में मोक्ष अधिकार की 298-99 गाथा पेज नंबर है 424 भावान बात पर। इस भांति प्रज्ञा ग्रह की पर है ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं ही हूँ, शेष जो कुछ भाव वे मैं नहीं हूँ मुझसे पर है। इस तरह से जानना यानी निर्णय करना यानी अनुभव करना चाहिए। यानी इस विश्व में दो जाति के द्रव्य जीवम जीवम दब्बम, एक जीव द्रव्य की जाती है और अचेतन अजीव द्रव्य की जाती है। वो कहते हैं कि अपने को आप रूप जानो और पर को रूप जानो। कैसे जानो? तो लक्षण बताए, जिसमें चेतना होती है उसे जीव कहते हैं, जिसमें चेतना नहीं होती है उसे पर जानो। अभी चेतना के बाद दो नाम फिर आए कि नहीं, चेतना के दो भाव। तुम्हें चेतना शब्द नया लगा होगा ना, तो तुम्हें एक परिचय शब्द बताते, तुम देखते हो ना, जानते हो ना, तो जो देखता है उसे आत्मा कहते और जो नहीं देखता उसे आत्मा नहीं कहते। तो शरीर देखता है कि नहीं? क्यों, आप से तो देखते शरीर देखता है कि नहीं? आंख नहीं हो तो देख लेगा क्या? देखता तो आंख ही से। कहते नहीं, आंख से नहीं देखता है, उपयोग से जानता है। देखने का अर्थ क्या होता है? सामान्य अवलोकन। सत्ता है अपन व्यवहारिक भाषा में इसको देखना के, ये जानना के लिए। और दूसरा शब्द डाला कि यह जीव जानता है, और जितने भी जो नहीं जानता वो जीव नहीं। ऐसे ऐसे तो शरीर जानता है कि नहीं, कि शरीर नहीं जानता। कर्म जानते हैं कि नहीं जानते। राग द्वेष वो जानता है कि नहीं जानते। पाप के परिणाम जानते हैं कि नहीं जानते। पुण्य के परिणाम जानते हैं कि नहीं जानते। विशुद्ध अभी पूजा की विशुद्ध परिणाम स्वभाव हुए भी जानते हैं कि नहीं जानते। अभी जाप देने के भाव आए भी जानते हैं कि नहीं जानते।
अभी सांस सुनने की भाव आ रही, ये जानते हैं क्या कि नहीं जानते, इन्हें कोई जानने वाला अलग है और ये जानने में आने वाले अलग। तो अभी तक तो अपनी पहचान अपन कैसे बताते थे, हम मंदिर गए थे गुरुदत्त भगवान की भूमि में, द्रोणागिरि सिद्ध क्षेत्र से आ रहे, अभी धर्म करके आए, तो अपनी पहचान जड़ से बनाई और आत्मा को एक तरफ कर। तो कह रहे कि नहीं नहीं, ये जो आए थे ना भाव, ये तो चले गए और उनमें ज्ञान ही नहीं था और उनसे तो पुण्य बंद हुआ, और आप तो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए आए थे, बंद के आए हो तो धर्म बता रहे। तो पुण्य तत्व को पाप भी कहे अनुभवी, कोई समझदार कहेगा कि पुण्य भाव मैं नहीं हूं, यरे ये भी तो ऐसे ही है जैसे पाप भाव वैसे पुण्य भाव। अभी वहां घर पेपर पलटा रहे थे, साफ पलटा रहे, न इसमें आत्मा दिख रही न पेपर में दिख रही, आत्मा को देखने जानने वाले को देखोगे तो दिखेगी, शास्त्र से भी नहीं दिखेगी, देह से भी नहीं दिखेगी, गुरु से भी नहीं दिखेगी, द्रोणागिरि से भी नहीं दिखेगी, मनुष्य पर्याय से भी नहीं दिखेगी, सिठाई से भी नहीं दिखेगी, त्याग भाव से भी नहीं दिखेगी, पूजा पाठ से भी नहीं दिखेगी, कैसे दिखेगी, देखोगे तो दिखेगी, देखने जानने वाले गुण से देखोगे आत्मा तो दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी, और नहीं दिखेगी यानी आप बेईमानी नहीं छोड़ोगे, किसी पर जब को अपना मानोगे बंधोगे चार गति में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि तुम अपने को आत्मा नहीं जानोगे तो शरीर को आत्मा माने बिना नहीं, राग को आत्मा माने बिना नहीं, विषयों को आत्मा माने बिना, आत्मा यानी अपने, आत्मा यानी सुख दुख के दाता, आत्मा यानी सब कुछ लगता है उसी आत्मा के, जड़ को सब कुछ मानता, सब कुछ प्राण। एक बंदरिया होती है ना, वो अपने बच्चे को इतना चाहती, इतना चाहती है, आदमी कितना चाहे, वो मर भी जाए ना तो उसकी सूखी खाल मुंह में दबाए घूमती है, इतना राग रहता है। गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि शेर का सामना करने तैयार, और सोचो ये आदमी किसको चाहता है, यदि आग लगे घर में तो वो सब पैसा निकालने की पहले सोच, जीव जल जाए तो नहीं सोच, बाद में ख्याल आएगा ये पप्पू को तो निकाल ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कहने में लगता है कि कैसे नहीं निकाल, अरे आत्मा को नहीं देख रहा है और सब दिन भर देखता है, इसको कहते नहीं निकाल, आयोजन में प्रयोजन गायब रहता है, आयोजन पूरा हो जाता है और खाली हाथ चला, आयोजन पूरा हो जाता है पुण्य उदय जब साथ निभाता है, हरि प्रयोजन आय हरि प्रयोजन आयोजन में कैसा, ये भाव चित्त में जरा आता है, याद ही नहीं आता कि क्या कर रहा है, जैसे रूटीन में जीवन आता, पंकज भी सब सच्ची बताना, सवेरे उठ के क्या एकदम मंदिर दिखता, काम ही काम, अभी जाएंगे पानी नहीं आएगा, पानी लाएंगे, द्रव धोएंगे, पूजा करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और चलिए एक लाइन बता दो जिसमें आत्मा लिखी और मंदिर से आए, जैनियों की हालत है या जैन बेचारे क्या करते हैं ऐसा रूटीन में आ जाता है, समय कर ली बना लिया तो जाप दे ली, तो पूजन कर ली, तो प्रवचन सुन ली, अब क्या करो मर जाए क्या लगते नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज, तो ये प्रयोग है, अभी ये प्रयोग होता है, देखो अपने कैसे प्रयोग चलते हैं, शुद्ध साफ भोजन करना चाहिए, समय पर मंदिर जाना चाहिए, घर गृहस्थी के काम भी देखो और कुछ धर्म में भी लगो, ये अपन समझते थे, वो सब जड़ की क्रिया और राग की क्रिया कहलाती, अब इनसे पूछो आत्मा की क्रिया क्या करती, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास जानने देखने का बहुत बड़ा साधन है, अंश है, इससे तुम अपने को आत्मा देखो आत्मा जान, यही घर नहीं कर रहे और सब कर लो,
तो पढ़ रहे उनकी भाषा में, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती। पहले कल कहा था चेतना और आज कह रहे जानना देख, तो एक शब्द में कह तो दिया था कि नहीं तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था खोल रहे, तो चेतना कहा। अब उसके दो भाव, चित्त शक्ति के दो गुण, एक देखने का और एक जानने, तो ज्ञान दर्शन दो शक्ति ये बताया। देखना ज्ञान दर्शन के भी दो काम, एक सामान्य को विषय बनाना और एक विशेष को विषय बनाना। वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्याय स्वरूपी, सामान्य विशेषात्मक हो चाहे द्रव्य पर्याय स्वरूपी ऐसी वस्तु। अब अपने पास गुण भी विशेष दो, ये दर्शन गुण वस्तु को सामान्य विषय बना ली है और ज्ञान गुण उसको विशेष विशेष विषय बना ली। आत्मा है, जानने देखने की स्वभाव वाली है, अनंत गुण की धनी है, इस समय वर्तमान में इस पर्याय में, ये ज्ञान का काम। और दर्शन क्या करते है? तो दो गुण हो गए, कौन कौन से? दर्शन और ज्ञान। और इनके काम क्या है? सामान्य तरह से देखना जानना और विशेष तरह से। तो दर्शन का काम क्या है? सामान्य प्रतिभा। और ज्ञान का काम क्या है? विशेष प्रतिभा। अब ये प्रयोग कर रहे कि देखो आपके पास गुण है, आपके पास ऐसी वस्तु है, इसलिए चेतकत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातकत्व, ये चेतकत्व और चेतन और ज्ञातकत्व और ज्ञाय, बताओ इसमें क्या अंतर? चेतकत्व और चेतन में क्या अंतर? चेतना चेतना वाला नहीं, चैतन्यमय वक्त यानी पना, दब्बत गुणत पज्जत द्रवपना गुणपना पर्यायपना, यानी उसमयी वस्तु। जैसे शक्कर कैसी है? मिठास वाली नहीं, मिठास और शक्कर अलग अलग नहीं, मिठास मई है, यानी मिठास दिखते ही शक्कर याद आ जाता। मीठा करना हो दूध तो क्या याद आता? मिठास के शक्कर द्रव्य याद आता। ऐसे ही अपने में कौन सा गुण है? चेतकत्व। चेतकत्व यानी चैतन्यमयी है, चैतन्यमयी है यानी जड़ नहीं होता। तीन काल में आत्मा जड़ नहीं होता, चिति शक्ति अजड़ के स्वभाव में होती, अजड़ यानी कभी जड़पना इसमें नहीं है, आते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। जितनी शक्कर कब खारी होगी विद्या भाई? क्यों? जब नमक में मिला देंगे तब तो खारी हो जाएगी क्या है? तो अपन इस समय तो स्त्री की पर्याय में है कि नहीं? इस समय क्षेत्र द्रोणागिरी में तो है कि नहीं? इस समय लिख तो रहे, पढ़ रहे, सुन तो रहे कि नहीं? इसे तो पूछो। चेतकत्व तो कभी अपना चेतन पना नहीं छोड़ता। इस समय लिख रहे थे ना तोड़ो नहीं, उस समय कह रहे थे कि कागज मसी अक्षय आता, लिखिया अर्थ प्रकाशन हा, ज्ञान राग तो मेरे मिलो। मेरे पास क्या है? ज्ञान है और राग, और लिखनो कर लो तनको बोलो। लिखने करने का काम स्याही ने किया और हाथ इसमें नहीं, मैं नहीं कर सकता। लिखते समय कह रहे बाबू जी इस समय अपन क्या करें? सच्ची बताना ईमानदार, इस समय अपन क्या करें? सुन रहे कि नहीं? ऐसा लगता है। अब इनसे पूछो तो हम सुन रहे हैं इसमें कान की अपेक्षा थी, और जान रहे हैं इसमें ज्ञान की अपेक्षा थी। समझ में आए कैसे भेद किया? सुन रहे हैं यानी कान वाला है, और कान वाला यानी कान निमित्त बना के वाणी से संबंध स्थापित करके ये जानने की कोशिश में लगा। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि सुनने से नहीं होगा, वो कान वाले सुनो, आत्मा ज्ञान स्वभावी। यही कहते कर्ण वाले सुन। स्वामी जी से, डॉक्टर साहब एक बार स्वामी जी से पूछा कि आप पैसे वालों की पहले तो बहुत पैसा बताते कि 2 अरब 40 करोड़ का सेठ गोवा वाला, अरे रे हर फैल हुआ तो 2 मिनट में चला,
तो पहले तो आपने पैसा की तारीफ कर दी और बाद में कह दिया धन दौलत। नहीं समझनी कि हम पैसा की तारीफ नहीं करते हैं, पैसा वाले हुए पैसा से नहीं बच पाए। ऐसे यहां क्या कहते हैं कि तुम सुन रहे हो कि नहीं, ऐसा पूछेंगे कि नहीं कि सुन रहे हो कि नहीं, तुम मान नहीं रखते। हाँ तुम्हें तो कह रहे थे सुन रहे हो। अरे सुन रहे हो यानी सावधान होके जान लो कि मैं सुनने वाला नहीं, मैं जानने वाला। कैसे पता चला सुनने वाला? बताओ सोचो जरा कैसे पता चला कि मैं सुनने वाला? कान नहीं हो तो अभी जानने का काम होता है, और जिस समय अपने कान खुले हैं प्रवचन चल रहे हैं, यदि अपना उपयोग कहीं चला जाओ ना तो अपनी वहां की बात सुनाई दे रही जहां अपन है नहीं, और कान यहाँ और शास्त्र वचन का यहाँ और न जाने कहाँ पहुंच जाता। इसका अर्थ है इससे ज्ञान नहीं होता है, आत्मा से ज्ञान। इस समय अपन क्या कर रहे हैं? जान रहे। और क्या मान रहे थे? सुन रहे। ये भ्रम तोड़ो। ये कह रहे हैं कि थोड़ी शांति से जनवाणी के पास ईमानदारी से बैठो। हे भगवान आपने अच्छा बताया कि मैं जानता हूँ सुनता नहीं। सुनने में काय की अपेक्षा बताई थी? कान। और जानने में काय की अपेक्षा लग जाएगी? आत्मा। क्योंकि जानने का भ्रम कहाँ होता है? आत्मा। और सुनने के लिए निमित्त क्या चाहिए? कान चाहिए। तो अरहंत भगवान के कान है, केवल ज्ञान से जानते हैं कि कान से जानते? और सिद्ध भगवान के तो कान ही नहीं। कैसा लगता होगा बेचारे बिना कान? अपन तो ज्यादा चतुर है, अपने मुंह से निकला बेचारे महाराज जी का क्या होगा जो ठंड है रात भर गर्मी है, ऐसा ऐसा सोचते ना बेचारे लगते। अच्छे से पढ़े ना तो आत्मा अभी दिखते। क्योंकि देखो इसमें ये कह रहा है कि ये सब इंद्रियां तो आत्मा में, राग आत्मा में, अब आत्मा में क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान से आत्मा देखो। अब अपन कहते आत्मा नहीं दिखती, कह रहे ज्ञान हो रहा है तो तुम आत्मी तो चेत कर्तिकीमा दर्शगत तो ज्ञातत्व भी आत्मा के स्वलक्षण है। इसलिए मैं अब चालू कर मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूं। फिर से पढ़ो मैं कौन हूं कि आत्मा क्या करते हो आप जानता देखता। तो अब आत्मा को ग्रहण कैसे करोगे? इसे देखने जानने के आधार से अवयव से अंश से अपने को आत्मा जानूंगा, आत्मा मानूंगा, आत्मा महसूस करूंगा। कैसे? अपने ज्ञान से। अभी ज्ञान काय में लगा है? सुनने पढ़ने में लगा। अब उस ज्ञान से किसे देखो? जिसका ज्ञान है उसे देखो। कभी तो अपने अपनी पूंजी से अपना लाभ लो। तब पूंजी सबसे बड़ा कंजूस कितना बड़ा दानी है? सबसे बड़ा कंजूस और दानी कितना है? सब छोड़ के मत क्योंकि ले जाने की भी व्यवस्था कल हमने अध्यक्ष जी से बात की, हमने की सब सीढ़ियों में पानी भर रहा है, ऊपर पानी भर रहा है, सब भर रहा। अरे भैया 20 लाख लग जाएगा। हमने की पैसे की बात नहीं करो आप, ये विचार तो करो कि मंदिर में ही होना, लक्ष्य नहीं आने दे रहे। वो कह रहे कैसे होगा? पैसा मुक्त हो गया। अरे अपने पास तो पैसा भरा अपने घर में, अभी देखो बंगला ले लो जब भी ले लोगे आप करोड़, तो वो पैसे किस काम में आएगा? मंदिर में आने चाहिए। नहीं ऐसा नहीं करो, हम देंगे ग्रहण करो। ये तुम्हें भगवान बनाने की बात कह रहे, तुम पैसे नहीं दे रहे, तुम पैसा रख के मोक्ष जाना चाहते। अकेले ऐसे भैया दो मंदिर को बना सकते, अकेले पैसा कहां से आए? हमने कहा कहां से नहीं आएगा, कैसे आ जाएगा? तो मन नहीं है ना जीव, मन हो ना तो ऐसा लगे कि ये सार्थक तो इसी में लगाने में सार्थक है जो आपके साथ जाए। लड़के बच्चों को दो भी इतने चतर निकले हैं कि करोड़ की अरब कर रहे हैं, उनको कर दे। यदि पापा करोड़ संपदा किम प्रयोग, यदि पुण्य पाप निरोध संपदा किम प्रयोग, यदि पाप बढ़ गए तो संपत्ति जोड़ने से क्या होता? अपने आप जोड़े, और पुण्य बढ़ रहे हैं तो अपने आप बढ़े। तुम्हें दो तरफ से लाभ है, संपत्ति देने से घटती नहीं डॉक्टर साहब, देने से बढ़ती है।
कुआं का पानी निकालने से घटता है कि बढ़ता है पंखा? एक देर एक को समझाने आया, सेठ को पैसा नहीं देता था तो उसके यहाँ खड़ा हो और कहने लगे कि भूखा हूं भोजन खा के जाऊं, कि मैं आज तक किसी को देता नहीं हूं तुम भाग जाओ। तो उसने देखा और जल्दी से दरवाजा लगाए, भोजन किया और वो खड़े था। देव की पर्याय से आया था, हाँ खड़े रहा, कह रही कैसा आदमी है, समझ में नहीं आता हम किसी को देते हैं कि नहीं देते, पर मैं तो घूमने आएगा या तो खाए बने जाते कि खड़े हो घर जाओ हम तो दुकान जाए। सिर्फ दुकान चला गया और दरवाजा बंद करवा। अब वो दूसरे दिन खड़ा मिला, कहने भाई साहब हम तो भूखे हैं और भोजन किए बिना तो जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, कैसा आदमी। अब सोचने लगे चलो इसको एक रोटी दे दो, क्या एक रोटी नहीं आया दूसरा दिन, वेतन दो दिन का जी विचित्र, हम एक नहीं देते तुम्हें दो दे रहे, तुम्हें एक लेना है कि नहीं, हम एक रोटी नहीं दो दिन का काम किया है तो दो रोटी देगी, मैं तो देते नहीं किसी को, एक दे रहा था दो भी नहीं दे, चलो भाई नहीं बोलूंगा। और खड़ा अब तीसरा दिन हो गया, अब कहले यार चल यार मानना जा रहा दो दिन से, कहले आज तीसरा दिन। अब तीसरे दिन भी उसने तीन रोटी से काम होगा ही नहीं, मैं मर जाऊंगा यही खड़ा। सेठ को सिखाना था, मित्र था उसे। अब चौथा दिन आया कि भैया पहले से चार रोटी ले आओ, तो कहेगा हमें तीन नहीं चाहिए। सेठ सुधर गए और लेके आया चार, कहले मुझे खाना आया नहीं है, एक कुआं बनवा यहाँ पर, कहले अभी नहीं बनाया तो मैं दो बनवाऊंगा। तो दो कुआ बनवाए उसने पहले से, एक का मेरा बनवाओ एक तुम्हारा बनवाओ, और कहा मेरे कुएं का पानी भरने सबको तुम्हारे कुएं का पानी नहीं भरे हो, देखना हम अगले साल आए। अब बताओ बाबू जी उसके कुएं का पानी नहीं निकलेगा क्या होगा, अब लगाओ धन में, तुम यदि नहीं दोगे तो मुफक के पास बाप मर जाओगे, लड़के बच्चे तो दुरुपयोग करें, आज के लड़के ऐसे तो है नहीं पहले जैसे। सर सेठ हुकमचंद जी की लड़कों का बताओ क्या हुआ, फूट लेनी पुतवा पा अभिमंडल बनाओ, आधी इंदौर नगरी उनकी थी तब, इतना सम्राट है यदि निकल जाए तो फांसी कैंसिल हो जाए, इतना वरदान था उसका, इतना पवित्र रह जाए। वहां गया था कांजी स्वामी के पास सोनगढ़, वहां एक आदमी ने नहीं पूछा उसे कि पैसा दे दान दो, ये कैसी नगरी है, यहाँ तो हम सेठ हैं आए कोई हमसे पैसे की बातें नहीं करते, सिर्फ सब आत्मा आत्मा ज्ञाता है दृष्टा है आत्मा देव को जानो उसमें ही सुख है, सब इसी रंग में रंगे। 75वीं वर्षगांठ थी स्वामी, तो वहां किसी ने नहीं पूछा कि गजब की नगरी है, तो वो खड़ा हुआ माइक को बोला कि मैंने ऐसा धर्म क्षेत्र पहली बार देखा, साधना स्थली यहाँ पैसे की बात नहीं की जाती, लोग लिखवाते हैं एक लाइन में बोलता है, 1000 वाले ने पहले लिखा है ना तो 1 करोड़ वाले वाले का बाद में नाम बोलेगा, 1000 वाले का वहां पहले बोला गया, ऐसी नगरी थी सोनगढ़ उस समय स्वामी जी। तो उसने कहा कि भैया यहाँ तो कोई पैसे की पूछते नहीं, हम समझते थे आप इसे पूछोगी हमारी, यहाँ तो बातें नहीं करते। अब मुझे बहुत खुशी है मैं गुरुदेव के 75वें वर्ष की वर्षगांठ में 75,000 रुपये स्वाध्याय राम मंदिर बनाने के लिए दी, ऐसा ऐसा दान दे के आए, और कह के आए तो मान क्या कह के आए थे कि सोनगढ़ का कौवा भी मेरे इंदौर में आएगा तो मैं स्वागत करूंगा, ऐसी धर्म नगरी मैंने पहली दी, इतना प्रसन्न। अपने शांति सारा महाराज जी गए थे और ऐसा बोल के आए थे कि ये व्यक्ति अकेला मोक्ष में जाएगा, क्योंकि जो भी भगवान बनता है वो अकेले अनेक व्यक्तियों को लेकर भगवान बनता है, ये व्यक्ति बहुत से जीवों को भगवान बना के भगवान, ऐसा शांति सागर कह के आए थे उस समय। और स्वामी जी भी कैसे थे, जब शांति सागर लिया है पता चला मुनिराज आते थे तो लेने जाते थे और हाथ पकड़ के लाते थे और मंच को ऊंचे बिठाते, ऐसा पहले इतने ज्यादा विरोध नहीं था जब ताज पर, अब तो इतनी खाई सी खड़ी हो गई। तो कैसे देखें आप, मन तो बना पहले कि हम आत्मा हैं और आत्मा देख सकते, और देखो इस साधन ऐसा बनाया कि इसमें कुछ पैसा नहीं लगना, इसमें कुछ याद नहीं करना,
इसमें कुछ क्रियाएं त्याग व्रत नहीं अपनाना, इसमें कहीं आना जाना नहीं, सीधा ज्ञान से अपना करना, इतना सरल। जानते हैं तो हाँ पालते जा, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, ये रुचि नहीं है ना संस्कार डालने के लिए कह रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि भैया तेरे उल्टे संस्कार बहुत गहरे पड़े। एक सेकंड नहीं लगता पंकज भाई यहाँ से उतरने, और एकदम उतरने वाला, चप्पलें पहनने वाला और चलने वाला देखता है, यहाँ मंदिर में जरा सा देख दबता है वो पर्व, और इतने बुरे परिणाम खोटे, क्योंकि गहरे संस्कार डाले, ऐसा लगे कि आत्मा के अलावा विश्व में कुछ नहीं, तब समझना कि हमारा मृत्यु। कुछ भी ना दिखे, मंदिर दिखे तो ऐसा दिखे ज्ञान तू इसलिए दिख रहा, भगवान दिखे तो भगवान कम और ज्ञान ज्यादा दिखे, तब समझना हमें अब चिंतन चलने लगे। बहुत गहरी अरुचि बना रखी है अनंत भाव को, ऐसी उल्टी पड़ते। क्या नाम बाबू जी आप? शीतल चंद नाम है, ये सब राम राम में शीतल चंद भरा, और ज्ञान चंद कहें शुद्धात्मा कहें तो सुनते ही, जैसे राजेंद्र नाम लेके कोई कहे जैसे लगता है, जैसे हम जब जाते हैं सवेरे मंदिर तो कोई दूसरे ब्राह्मण को कहे पंडित जी, तो हम समझते जैसे हम ही से कह रहे, अब पंडित जी हो गए, पहले तो राजेंद्र बने अब पंडित जी बन गए, फिर अब वक्ता बन गए, ये कैसी बुद्धि है, उपाधि होता जा, अभी ब्रह्मचारी ले लो तो ब्रह्मचारी बन गए, मतलब आत्मा समझने तैयार, आत्मा छोटा लगता है उपाधि बन गए, किसी गजब की प्रयोग देखो अपन को लगता कैसे देख, देखो कौन देख रहा है, देखो कौन देख रहा है, बताओ बिना शरीर के विचार करो कौन देख रहा है, आत्मा नहीं हो तो देख के बता दो, तो देख रहा है वो कौन, हूं हूं, वो कैसे देखता है, तो देखने की कला से देखता है, और अपने को देखता है, अपने को जानता, अपने में जानने का काम होता, अपने से होता, अपने द्वारा होता, अपने आधार से होता, ये जानने का क्रिया देखने की क्रिया कोई कराता नहीं है, अपने आप देखिए। अब अपन बहुत कोशिश कर रहे आपको दिख नहीं जा रहा है, तुम आत्मी को इसलिए तो देखा। दो बातें बोलना भाई हमने कौन सी कहा, वो अपन कहते हैं कि आत्मा को दिख नहीं जा, और आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि आत्मा है इसलिए देख रहे, बोल रहे हाँ। कहते आत्मा है इसलिए देख रहा, अब बताओ सोच में कितना एकदम तुम आत्मा में खड़े हो जाते और उसमें तुम शरीर में खड़े, वही समझ में आ रहा है कि नहीं, आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं, कहाँ यहाँ भी ज्ञान में आ रहा, ज्ञान ज्ञान कहाँ, और तुम तो बैठी हो ना, तुम्हें ज्ञान कहाँ से हो जाए, खूब तर्क लगाना, खूब न्याय लगाना, खूब अपने चिंतन खड़े करना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बैठे हैं कि खा रहे हैं कि पी रहे हैं, तो आपको 24 घंटे में ऐसे भूंसी सवार होगी ना, जानने देखने वाला जीव कहलाता, भगवान ने कहा सर्वज्ञ कह रहे थे मुझे, जीव कह रहे थे मुझे, आत्मा कह के पुकार रहे थे, भगवान ने मुझे पूरा आत्मा देखा, ऐसा जब आपको बहुत आदर आएगा तो दुनिया से अपनत्व की बुद्धि टूट कर एकदम आत्मा में प्रीति होगी। उल्टी पढ़ाई कर रखो, बहुत उल्टी पढ़ाई, शिल्पा 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 शिल्पा, जन्म से यही कह रहे, अब वो इतना पक्का हो गया कि दूसरी शिल्पा आ जाए ना तो ऐसे लगे जैसे हम इसे कह रहे, अब नहीं देखती कोई दूसरी शिल्पा जी, ये कही है इंडिया में, ये कही और कोई लगा ही नहीं सकता ना। राजेंद्र गायक था कलकत्ते का, राजेंद्र एक्टर था, राजेंद्र राष्ट्रपति थे, राजेंद्र एक पंडित जी का नाम, राजेंद्र वक्ता का नाम, और राजेंद्र एक चिकन सेंटर का, तुम कौन से राजेंद्र? शर्म लगेगी भरत चक्रवर्ती को अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली, और अपन ने किस बात को लीजिए, शांतिनाथ कुंतनाथ अरयनाथ का छूट गया सब वैभव, जो उनका था वही साथ में गया, ये वैभव है बहुत बड़ी पूंजी है, जानना देखना बहुत बड़ा धन है, प्राण भाव दीप का पढ़ना दूसरा पाठ, उसमें लिखा ज्ञान प्राण, ज्ञान जान है, ज्ञान ही तेरी सांस है, ज्ञान ही जीवन है, सब कुछ तेरा ज्ञान, इतनी महिमा लाते हैं उनको तो देखो, कहते कहते थकते नहीं, और अपन
सुन करके कहते भैया कब समाप्त होगा। आत्मा में खड़े होना मतलब क्या? आत्मा में खड़े होना यानी अपनापन रहना, क्योंकि जानना तो हो रहा तो जानना ज्ञायक से कुछ हटके तो होता नहीं। जहाँ द्रव वही पर्याय, तो दो चीजें तो है नहीं वहाँ कि द्रव में पर्याय, पर तुम्हें भेद करके बताया कि तुम जानते हो कि नहीं, तो तुमने कहा साहब जानते तो है पर आत्मा तो दिखते ही, तो ये जानना है ना ये आत्मी कहलाती, तो ये खड़ा होना पड़ा। खड़ा होना यानी इसमें आत्मी का देन प्रीति देन, क्योंकि तुमने पढ़ा है पुस्तक से, आत्मा से तो पढ़ा नहीं, क्योंकि ऐसा जब सुना रहे थे आचार्य तब अपने ऐसे सुनने में लगे थे, तो अपना लक्ष्य तो गैर मुखी था, इंद्रिय ज्ञान था, तो वो आत्मा कहाँ दिख रही थी उसे, तुम देखोगे तो उसी समय दिख जाते। अपन को अभी ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो अपने तो दिमाग ही नहीं है कि पंडित जी पढ़ रहे हैं इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा, और पुस्तक में लिखा, तो अपना तो लक्ष्य ही बढ़ा, इसलिए वो कहते आत्मा में तो खड़े हो। देखो जानना देखने आप ही को हो रहा है कि नहीं, और जानना देखना बिना आत्मा के होता है क्या? नहीं, तो आत्मा तो ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि अच्छी बात बताया, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बता रहा है और अपन को समझ में। ये निहाल भाई से पूछा कि इतना अच्छा आप समझाते हो स्वामी जी समझाते, ये सम्यक दर्शन क्यों नहीं? तो मालूम क्या उत्तर दिया, ये पर्याय में बैठ कर सुनते रहे, ये ऐसा उत्तर दिया जो जिंदगी भर समझ में। क्या कहा रहा है इस तरह देख, पर्याय में बैठ कर सुनता है पास क्या, जिसने शिष्य ने प्रश्न किया, हम इतने दिनों से 50 साल से सुन रहे साथ, तो हमें आत्मा क्यों नहीं दिखता, आपने तो 2 मिनट में देख ली। तुमने क्या उत्तर दिया, तुम पर्याय में बैठ करके सुनते, पर्याय में बैठने क्या कहला, नहीं नहीं आप अपनी भीति बताओ, अपनी भीति बताओ, उसमें भाषा दूसरे की नहीं बताई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अशोक भाई सुन रहा हूँ, ऐसा लगता सीधा आसमान जाति पर्याय से चालू करता हूँ, तुम बोल गए सुन किया, तो पहले बहुत बड़ी भूल, तो इसने शरीर सेहत अपने को देख, तो ये तो बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अजैन भी कहता शरीर अपना नहीं, चलो अच्छा वहां पर अपने परिणाम तो है ना, अपने तो विशुद्ध भाव से सुनता है, तो वो कहते हैं विशुद्ध भाव से कर्म के उदय का प्रारब्ध है, संतान है तुम्हारा कहा, ये तो अभी है दोगे में चला जाए, तो विशुद्ध पर्याय में खड़ा हुआ, दो घोड़े निकाली और उससे जुड़ा था कर्म का उदय, तो कहता था मेरा अच्छा कर्म का उदय, अभी द्रोणागिरि में बैठा हूँ, साता का उदय, अच्छे से भोजन पान बढ़िया प्रवचन दर्शन पूजन सब हो रहा, तो कहाँ खड़ा हो गए, उदय में खड़ा हुआ, फिर पर्याय में खड़ा हुआ, फिर अपरिणाम खड़ा हुआ। अब ये यहाँ लाए कि अब तुम देखो तुम ये सब भूलते जाओ, न तुम देह हो नौकर, न कर्म के उदय हो और न विशुद्ध परिणाम, अब बचा ज्ञायक, तो ये ज्ञान और ज्ञायक दो दिखते हैं समझने समझाने, क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो परिचित है, जानना जानना तो परिचित है, और ज्ञायक का परिचय है नहीं, तो वो क्या कह रहे हैं, ये ज्ञान से तुम ज्ञायक हो उसमें खड़े हो जाओ, उसको देखो उसमें अपनापन, बताओ हमने क्या कहा, ज्ञान से काय का परिचय देना है, कैसे दे, जो जान रहा हो कौन है, मैं हूं, तो जानने तो पर्याय है ना, जानने क्या है पर्याय है कि गुण की द्रव, यही तो गड़बड़ी, वो पढ़ाएंगे द्रव गुण पर, तुम नहीं पढ़ो तुमको आखो पढ़ो, उनकी मजबूरी है कि भेद करके नहीं समझाए, मुसब्बी अलग है संतरा अलग है, तो तुम मुसब्बी मंगाए संतरा ले आते, उनकी मजबूरी, पर तुमने समझ लिया है तो तुम भेद नहीं करो, क्योंकि वस्तु में से भेद नहीं होते, तो तुमने उनने कहा कि आत्मा जानो, काय से जानो, ज्ञान से जानो, दर्शन से जानो, आत्मा जानो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कि ज्ञान हो रहा है तो किसे पकड़ने का, आत्मा, द्वारा हमने क्या कहा, हमें समझ में तो सब आता है, आत्मा तो देखते ही छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी, ये रोज आत्मा ज्ञान की प्रति पर उठे तरंग में बैठा रहता, और अपन कहते जानते तो सब आत्मा तो देखते, वो भूले भूल नहीं है ये अरुचि, भूल तो निकल भी जाए, शेष सब शिव सम की भूल तो निकल जाए, यदि सम्यक दृष्टि जीव, बताना सम्यक दृष्टि जीव सोने को पीतल कहे तो भी सम्यक ज्ञानी लिखा था,
और मिथ्या दृष्टि जी सोने को सोना भी कहे तो भी अज्ञानी बता अध्यक्ष जी क्या गड़बड़ी, जब सोने को सोना कह रहा तो सब में ज्ञान क्यों नहीं? डॉक्टर साहब क्योंकि उसका प्रयोजन साल हो नहीं रहा, वो किसको जानने में चतुर बना वो बदल, पर इससे कोई चतुराई काम में नहीं आएगी, अपने पर नहीं होने तो ज्ञान तुम्हारा सर, तो वो सोने को पीतल कहे चाहे पीतल को सोना कहे, सम्य ज्ञानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुख मिटाने के काम में वो सजग, राग को भिन्न जानता और आत्मा को अभिन्न जानता, इसमें मास्टर, इसलिए उसका सब ज्ञान सही। और वो मित्र दृष्टि सोने को सोना कहे तो फिर बन्ने जी ने बताया कि सोने को सोना कह रहा सम्य ज्ञान कह दो ना कि अभी सोना ले जाएगा ना कोई तो रोने लगेगा, इसलिए उसके दुख नहीं मिटा पाता, उसका ज्ञान दुख नहीं मिटा पाता, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या। सोने को सोना भी क्या रो भी रहा तो सोना कहा जाना, और सम्यक दृष्टि को कोई आग में लग गई तो भी उन्हें दुख नहीं हो रहा क्योंकि पर जान। सोने को कैसा जानना था? सोना जानना था कि ये मैं नहीं हूं इससे मुझे लाभ नहीं है जानना, ये नहीं जानता ना मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उसे तो प्राण से प्यारा लगता है उसे। फिर से पूछ रहे ज्ञान से आत्मा को जानना है, उनने दो भेद खड़ी, हमें क्या करना था? ज्ञान से आत्मा जानना था कि ज्ञान ही आत्मा ही जानना था? तो वो आंख बंद होती, क्योंकि अभी ज्ञान ज्ञेय को प्रसिद्ध करने में लगा ना, सुनने में सुनाने में पढ़ने में, इससे आत्मा नहीं दिखेगी। अच्छा ज्ञान से आत्मा ये ऐसा देखता और कहता हमें आत्मा समय दर्शन। विद्या भाई ने आपसे पूछी बताओ दूध मीठा है कि नहीं, तो आप क्या करते? ऐसे कहीं देखते रहते हो बता देते, जब बता रहे तो बताने में आपका उपयोग कंसंट्रेट होता और दूध को विषय बनाता कि अरे इसमें मिठास आ रही हाँ डली, तो ये कुछ कंसंट्रेट करके ऊपर उत्तर देते, दाल में नमक है कि नहीं अभी बता रहे हम, कुछ और कहीं सोच रहे। छह महीने नमक नहीं डाला था कौन ने? आचार्य कल पंडित तोरमल जी की मम्मी ने छह महीने नमक नहीं डाला, कैसे खाया होगा वो जो पता ही नहीं चला। और जब छह महीने में सम्यक ज्ञान चंद्र का पूरी टीका हो गई तो बोले, ऐसा नहीं बोले कि नमक दो, ऐसा बोले थे मम्मी ऐसा लगता है जैसे भोजन में कुछ कमी, तो मम्मी बोले कि बेटा टीका पूरी हो गई, फिर आपको कैसे मान कि मैं तेरे प्यास ना बहे विकार ना आए उपयोग लगा रहे तकलीफ ना हो इसलिए छह महीने से न कैसी माँ हो गई हो कैसे पंडित जी हो और अपन ने कैसी मम्मी देखी, आलू छोड़ देती है और लड़के को आलू खिला हमने एक मम्मी ऐसी देखी वो आलू के चाप खिला रहे थे, हमने की काकी तुम तो आलू छोड़ रहे हो ना, कि हमने तो छोड़े हैं तो खिला खाए थे, अब इनकी उम्र तो अभी खावे के लिए कृत कार है। अब आत्मा समझ में आए कि नहीं बाबू जी, कहाँ है आत्मा? नहीं आत्मा, ये प्रेम नहीं देता जी। क्या नाम बाबू जी का? अखिलेश है, अखिलेश नाम, तो अखिलेश बने में तो पूरा प्रेम जाता, कोई नाम भर तो ले ले कहीं से एकदम से ऐसा क्या है सोता सोता जग जाए। अब अखिलेश ही ईश्वर है पता नहीं जगह, और आत्मा कहे तो पता नहीं किसकी बात करते, ऐसे पराए एक की तरह हो गया है आत्मा और शरीर को घर धनी बना दिया है रोमेश आए तो आपको तुम बाद में खाना, अरे लाला जी ये भैया लाला जी बाला जी भला है ये सब दो मिनट की आए हैं परेशान करके जाते, आत्मा देखो अपनापन दो। शास्त्र ज्ञान से आत्मा नहीं दिखी, शास्त्र ज्ञान से तुम्हें थोड़ा लगेगा कि मैं कुछ समझ नहीं लगा, बस सीधा आत्मा देखो, जो जानता है वो मैं हूं, ये भेद से बताए। फिर क्या कहा? नहीं देखते हुए तो देखो, गजब की बात, नहीं देखता है ऐसा भी होता है क्या? नहीं देखता हाँ वो नहीं देखता कुछ नहीं देखता देखो ऐसा, किसी से कोई प्रयोजन ना हमसे अल्लाह नहीं करो, हमें किसी से बात नहीं करो,
जैसे सामायिक में बैठता है ना शांत, इस तरह से आत्मा में शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मा निज में रक्त रहो, मग्न रहो, व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहित। तो बाद में अभी इसमें क्या लिखा, नहीं देखता, नहीं देखता है, नहीं समझ में आया। एक सुनार के यहाँ अपन जाते और सोने की अंगूठी बेचना, सुनार के यहाँ सोने की अंगूठी बेचने के लिए जाते, तो वो सुनार सोने की अंगूठी देखता है कि सोना दे, फिर से सुनो कि अपन अंगूठी ले। एक सच्ची घटना ऐसी कि एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला था और ऐसी गरीबी आई कि उसे गणेश जी को प्रणाम करता था, तो गणेश जी की मूर्ति थी और गणेश जी के ऊपर बैठने, गणेश जी बैठते ना, तो उस मूर्ति भी सोने की और चूहा भी सोने दोनों, और ले गया बेचने बाजार। तो उन्होंने कहा कि ये क्या भाव लोगे भाई गणेश जी, तो उन्होंने कहा कि जो भाव हो 50,000 रुपये तोले, और चूहा जी कितने में लोगे कि 50,000 रुपये। देखिए कैसा दिमाग है तुम्हारा, गणेश जी में ही भाव, चूहा जी में ही भाव। तो वो कितनी दुकानों में गया, परेशान हो गया शाम तक, इन लोगों को दिमाग ठीक नहीं, भगवान भी एक ही भाव और सवारी भी एक ही, हमें नहीं मिली। अब परेशानी में पड़ा था, मित्र ने कहा कि भाई साहब क्यों इतना चेहरा उतरा, क्या बहुत पैसे की परेशानी थी, हमने कहा आज भगवान को निकाल दो। उनके यहाँ तो बिक जाते हैं, सरा जाते हैं। तो वो भजने गया तो बोली एक ही भाव ले रहे, चूहा भी एक भाव और भगवान भी। अब उनने कहा कि तुम बेचने सोना गए थे कि भगवान बेचने, उन्हें भगवान की जरूरत, वे सोना द्रव्य देख के खरीद रहे और तुम पर्याय देख के बेच रहे थे, वो मेल नहीं बैठेगा, ऐसे ही वे देख रहे किसे द्रव्य को, और तुम किसे कहाँ खड़े हो गए पर्याय, तो तुम क्या कह रहे हाँ हम जानते देखते, अरे तुम जानते देखते बोल रहे हो यानी तुम नहीं जान रहे, तुम बातों में अभी भी नहीं समझ में आ। जब अपन लड़के से कहते हैं कि बेटा सो जा, तो अब अपन पूछते हैं कि वहां बोलो गिनती बोलो और सो जा, तो जब तक वो बोलता है जब तक सो गया है कि जग रहा, वो ऐसा कहे कि मम्मी सो गए, तो तुम्हें कैसा विश्वास हो जाए। ऑपरेशन होता है ना, जब किसी के ऑपरेशन हुए तो उसे पता है, तो वो ऑपरेशन में डॉक्टर कहता है पढ़ो तो नम उतार में तुम अपना पढ़ो, तो अपन कहते हैं और जैसे उसका असर चालू होता है एनेस्थीसिया का, हमें तो दवा वो आ गया वो अच्छा। अच्छा सब साधन बोलना बंद कर दे तो डॉक्टर कहते अब हमारे काम के मुर्दा वगैरह एकदम हम पहाड़ेंगे थी। जब तुम्हारी आवाज बंद हो जाए तब समझ जाते हैं अब हम काम कर सकते, ऐसे ही जब तक तुम ये कहते रहो हम तो जान रहे देख रहे, नहीं जान नहीं देख रहे, अभी विचारा हूँ विकल्पों में, जब तुम कहो अरे कहा जाना कहा देखना मैं तो जाना ना रहा, वाणी भी निकलना बंद हो जाए तब समझना कि अब मेरा काम अब सबसे। सुनना सुनाना तो बहुत मोटी प्रक्रिया है, दोनों ही घाट ही लगे निहाल भाई, सुनने वाला भी घाटा में और सुनाने वाला घाटा, सुनने वाला घाटा में क्यों क्योंकि वो आत्मा नहीं देख रहा सुन रहा, और सुनाने वाला घाटा में क्यों क्योंकि वो भी आत्मा नहीं देख रहा सुनाने में लगा, दो ही को राग चल रहा। जब सुनना सुनाना सब बंद हो जाता है, चिंतन भी बंद हो जाता है, एक मात्र आत्मा आत्मा ही विषय बन, ऐसे व्यक्ति को अनुभूति हो। नीचे की बात पढ़े लेते, इसी प्रकार में जानने वाला आत्मा को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करता हूं यानी स्वीकार हाँ पा अहम करता ग्रहण करता अर्थात जानता ही जानता हुआ ही जान, इतना भी बोले ना तो शुद्ध न्याय के पक्ष में आ गया। पहले तो कहता था अब घर की गृहस्थी की सब काम हमें को करना पड़ता है, अब तुम्हें तो क्या भूल दिया, पर शरीर से बनता, फिर कहते नहीं नहीं थोड़ी जाप पाठ भी तो करने दो, मंदिर जाना पढ़ना, तो इसका पक्ष लेता, आज पक्ष ले रहा है नहीं नहीं भैया न मैं शरीर हूँ न कर्म हूँ न राग हूँ, अरे मैं तो मात्र जानता, मात्र जानता कहे तो शुद्ध न्याय के पक्ष में आए।
जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही जानता हूँ। यानी मेरा जानना तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तुम्हारा जानना देखना मेरे काम में नहीं आएगा। मैं जानने के अलावा कुछ काम कर सकता ही नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं। इतना तो विकल्प में आ जाए तब अनुभूति की आशा कर। यहाँ ये बन के बैठे तब तक कहाँ आत्मदिक, और फिर आगे अब इतना हो गया पक्ष। अरे भैया आप समझ में आए, जो जानता हो जीव कहला, बहुत अच्छी बात बताई थी, ये तो समझ में आया कि मैं जान। अब वो अनुभूति तो अभी नहीं, सुनो अब वो जानना भी भूल जाओ, दे दो फीलिंग करो, बोलो नहीं अब फीलिंग करो। तो क्या लगा, नहीं जानता, नहीं जानता, दो अब वो जानने आने का विकल्प सब खत्म। न जानते हुए जानते, न जानते हुए के द्वारा, न जानने हुए के लिए, न जानने हुए से, न जानते हुए में, न जानते हुए इतना भी बोलना उसे जहर लगेगा भाग। कभी आप भोजन करने बैठो, दो दिन से भोजन नहीं किया और पानी पी रहे हो भोजन कर, और कोई तुमसे बहुत अच्छी बात करे, वह धर्मात्मा वो हल्ला नहीं करो भैया शांति से। उस समय तो अपन को इतना निर्विकल्पता का पक्ष आता है कि हल्ला नहीं भोजन में, तो ये तो बहुत पार्लो का काम, इसमें बिल्कुल भी बातें सहन नहीं हुई। इस तरह से मैं कौन हूं अंतिम लाइन, इसलिए मैं सर्व शुद्ध ज्ञप्ति मात्र जानन क्रिया मात्र, जिसमें घटती है और कोई क्रिया नहीं होती है, वो क्रिया भी मुझे अब नहीं दिखती है, मात चिन मात्र ज्योति से मैं आता। हाँ समझ खिसा आत्मा, कभी आपको बाबू जी ऐसा कभी विकल्प नहीं आता, मैं तो अखिलेश 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 ऐसा कहते हुए आप घर जाए का पूजा के बाद, अखिलेश अखिलेश अखिलेश, तो जी कहेंगे क्या हो, ये एकदम से पूछे आपकी तबीयत ठीक नहीं, अखिलेश अखिलेश आप चलो अस्पताल, ऐसे ये कह रहे मैं जानता मैं जानता मैं जानता, पगला हो गया। अरे जानता हूं तो फिर भोगो ना उसे, कहने में क्या लगे, ऐसा ऐसा समाज बहुत बड़ा उपकार है, अपन समझ नहीं पा रहे इंडिया में। अपन तो सोच रहे थे मंदिर जा रहे बड़ा धर्म कर रहे, ये कह रहे जानना जानना का पक्ष में भी धर्म नहीं होगा, जानन हार का भेदन करोगे तो धर्म। से जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी।